ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक प्रकाश है जिसका तरंग दैर्ध 600 नैनोमीटर, तरंग दैर्ध को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तरंग दैर्ध 600 नैनोमीटर है, कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर 0.1 डिग्री है, तो झिरियों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो आपको याद होगा इसमें तो आप कैपिटल डी दिया नहीं है, कैपिटल डी दिया नहीं, केवल तरंग दैर्ध दिया है। तो झिरियों के बीच की दूरी का सूत्र याद है, डी बराबर होता है लैम्डा बटा थीटा, लैम्डा थीटा याद है ना। अच्छा, लैम्डा का तो मान आपको मालूम है 600, लेकिन नैनो को हटा दो, 10^-9 हो जाएगा, ये नैनो को हटा दो, ठीक है। आई थीटा का जगह कितना 0.1, लेकिन आपको मैंने कहा था कि इसको रेडियन में जरूर बदलोगे डिग्री में, तो 5/180 से गुणा कर दो। तब सुनो, ये 2 0 है, तो 6 × 10 के ऊपर 2 और 10 के ऊपर -9 पहले से है, और 180 जा रहा है यहाँ पर, और बट्टा में हाई 0.1 और पाई के मान 3.14 भर दो। अब सुनो, ये 6 लिख लो, ये छः लिख लो, ठीक है, अगुणे 18 लिख लो, अगुणे और 2 × 1 = 3 हो जाए, जैसे 10 के ऊपर 2 × 1 = 0 है, 10 के ऊपर 3 और 9 × 3 जाएगा 10 के ऊपर -6, ठीक है, 1 0 यहाँ, 2 यहाँ पर है, अच्छा 2 यहाँ पर अंक है कि यहाँ पर 3, तो ऊपर 10 के ऊपर +3 चला जाएगा 10 गुणा आएंगे तो, और नीचवा 1 × 3 = 14, तो 2 से काटोगे तो 3 बार में कट गया और 157 बार में कट गया, तो 18 क्या हो गया 54, और गुण है 6 × 3 जाएगा तो 10^-3 और नीचे आ जाएगा आपका 157। अब आपको भाग दे देना है, तो पहले दसवें बुलाओगे तो भाग जाएगा 540 आपनों चौक 60, 3 बार में लगभग जाएगा आपका। जब आप इसको हल कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल करके आएगा 3.44×10^-4 मीटर आपका आंसर आएगा। तो ये बहुत छोटा सवाल था, जब भी कोणीय चौड़ाई की बात करेगा तो यही सूत्र होता है, डी बराबर लैम्डा बटा थीटा, मान रख हल करके आंसर नोट कर लो थोड़ा सा।